जलन एक ऐसी भावना है जो स्पष्ट रूप से दिखाई तो नहीं देती है, लेकिन एक इंसान के व्यक्तिगत और उसके प्रोफेशनल विकास पर इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। विशेष रूप से जहाँ पर आप काम करते हैं, वहाँ पर अगर आपके साथ में कोई ऐसा जलनखोर व्यक्ति हो या जलनखोर सहयोगी हो आपका, और वो बहुत ज़्यादा चालाक हो, तो आपके प्रोफेशन पर उसका बहुत ही भयंकर प्रभाव पड़ेगा और आपके करियर के विकास में बाधा भी उत्पन्न होगी ही होगी। अगर आप अपने ईर्ष्या करने वाले सहयोगियों से चिंतित हैं जो कि आपके साथ में काम करते हैं और आपके पतन का कारण भी हो सकते हैं, आप जानते हैं कि वो आपसे जलन करते हैं और आपको कहीं ना कहीं नीचे दबाएंगे ही दबाएंगे, तो ऐसे कोई अगर आपके साथ में आपके कलीग्स काम कर रहे हैं या फिर आपके आसपास भी कोई ऐसे लोग हैं, तो आज मैं आपको उनको पहचानने के 5 तरीके बता रही हूँ और उनसे कैसे निपटें ये भी मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगी। तो बने रहिए अंत तक। ऐसे सहकर्मी जो आपकी चापलूसी करते हैं, अपने सहकर्मियों में ईर्ष्या का सबसे बड़ा संकेत यह है कि वे आपकी बेवजह तारीफ करते नहीं थकेंगे। भले आपके कपड़े हो, बैग हो या काम से जुड़ी कोई भी उपलब्धि हो, सबसे पहले वो अच्छी भावना से इसकी प्रशंसा करने लगेंगे कि अरे वाह, आप तो कितने अच्छे दिखते हो, आप कितना अच्छा काम करते हो। ये सब फेक है, वो बस आपको चापलूसी करते हैं या फिर आपको बताते हैं कि आप तो बहुत ग्रेट हो। और कहीं अगर आप उनकी बातों में आ गए तो आगे बॉस के सामने या फिर अपने परिवार के आगे पीछे ऐसा कोई भी सदस्य है तो उन परिवार के सामने आपको कभी ना कभी नीचे वो अच्छे तरीके से दिखा देंगे। उनसे कैसे निपटे? जब आपको लगता है कि आपकी फर्जी प्रशंसा हो रही है, यानी कि फेक पंती हो रही है, तो इस बारे में अपने दिमाग पर जोर मत दीजिए। ऐसे सहयोगी से चुपचाप किनारा काटिए। अगर वो आपकी तारीफ कर रहे हैं तो वहां से चलते ही बनिए, क्योंकि आपको पता है कि वो आपकी फर्जी तारीफ ही कर रहे हैं। उनको आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो आपके सच्चे दोस्त नहीं है, वो सिर्फ आपसे जलते हैं इसलिए आपकी तारीफ कर रहे हैं। तो उनसे किनारा जल्दी से जल्दी काटिए जो आपकी सफलता को कम आंकते हैं। आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपकी सफलता से जलते हैं, या फिर आप कोई छोटा से भी कोई चीज़ कर लें तो उन्हें वो देखकर थोड़ी बहुत जलन मचती है। वो आपको हमेशा ये चीज़ तो बताएंगे कि अरे हम तुम्हारे साथ में हैं, हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम हर काम करो, लेकिन जैसे ही आप एक स्टेप ऊपर आएंगे आपको हमेशा नीचे गिराने की कोशिश में रहेंगे ही रहेंगे। वो आपकी सफलता को हमेशा कम आंकेंगे और जब भी कोई और आपके बारे में पूछेगा तो वो कोई ना कोई ऐसा बहाना बताएंगे कि अरे उसकी तो किस्मत चल गई, अरे उसको तो ऐसे ही मिल गया, अरे वो तो बॉस की चापलूसी करता है या घर वालों में इस तरीके से रहता है कि उसको अपने आप ही सफलता मिल गई। वो कभी भी आपकी सफलता को श्रेय तो नहीं ही देंगे। उन्हें कैसे संभालना है? जब आपके साथ ऐसा होता है तो किसी को भी अपनी सफलता के कारणों में, जो भी कारण रहे हों आपके, उसके बारे में स्पष्टीकरण बिल्कुल भी मत दीजिए। वे जल्द ही आपके खिलाफ बोलना छोड़ देंगे। आप उन्हें मत बताइए कि आप वहाँ जाकर ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, वहाँ पर ऐसा क्यों बोल रहे हैं। कोई भी स्पष्टीकरण जरा भी देने की ज़रूरत नहीं है। आपकी सफलता दुनिया के सामने है, वो अपने आप ही देख लेगी। जो लोग आपकी विफलता का जश्न मनाते हैं, अगर आप किसी भी वजह से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं और वो लोग आपके आगे आकर ये कहते हैं कि अरे तुम यहाँ पर पास नहीं हो पाए, अरे कोई बात नहीं आगे हो जाना, ऐसी कोई बात आपसे करें, लेकिन आपको पता है कि आप विफल हुए हैं किसी चीज़ में और वो खुशियाँ मना रहे हैं उस चीज़ की, तो ऐसे जलनखोरों से हमेशा आपको दूरी बना कर रखनी चाहिए। लेकिन ऐसे लोगों से आप उभरेंगे कैसे? ऐसे लोगों से आप ऐसे उभरिए कि कोई भी संगठन हो उनमें अगर आपको कोई भी जलन करने वाला मिल रहा है और आपको छोटा दिखा रहा है और आपको लग रहा है कि वो आपकी विफलता का जश्न मना रहा है, तो आपको उनके साथ रहने से बचना चाहिए। यह मत कहिए कि अरे नहीं, मेरा तो उसके साथ में व्यवहार है, मुझे व्यवहार बनाकर रखना होगा। ये मत कहिए, उनके साथ से बचिए, उनसे किनारा कीजिए ही कीजिए, क्योंकि वो आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो नीचे दिखाएंगे ही दिखाएंगे। आपकी अगर ज़रा सी भी बात कुछ ऐसी आपने कह दी कि जो उनको बुरी लगी या उनको अच्छी नहीं लगी, तो वो आपको नीचा दिखाने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। जो आपके खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हैं, छोटी मोटी प्रतिस्पर्धा तो सभी आज के जीवन में करते हैं, लेकिन कोई आपके साथ में ऐसा व्यक्ति है जो हर वक्त आपसे प्रतिस्पर्धा करता है, आपसे आगे बढ़ना चाहता है, अगर आप एक भी चीज़ कुछ कर लेते हैं तो वो
यही करता है कि मुझे इससे आगे बढ़ना है। तो आपकी निजी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो या फिर आपके ऑफिस में भी ऐसा कुछ हो कि आप किसी चीज़ में काम कर रहे हैं और वो व्यक्ति आपसे प्रतिस्पर्धा कर रहा है, तो आपको पता तो चल ही जाएगा कि वो आपके बराबरी में आना चाह रहा है। तो ऐसे लोगों को आप कैसे नियंत्रित करेंगे? इस मामले में उन्हें अनदेखा कीजिए और उनकी बातों में रुचि मत लीजिए। कभी भी उनको अपनी कोई भी चीज़ मत बताइए, ताकि वो आपसे लोगों को पूरी तरीके से इग्नोर कीजिए, क्योंकि आप जितनी बातें उन्हें देंगे वो उतनी ही बातों को बढ़ा चढ़ा कर लोगों को बताएंगे। इसलिए ऐसे लोगों से बचिए और जहाँ तक हो सके ऐसे लोगों को इग्नोर कीजिए, चाहे वो कहीं पर भी हो। आपके परिवार में भी अगर ऐसे लोग हैं तो उनसे भी बचिए, क्योंकि वो लोग आपको नीचा गिरा कर ही रहेंगे, वो कभी आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। ऐसे लोग अक्सर हमारे आसपास होते ही हैं, तो ऐसे लोगों को पहचानिए और फिर देखिए कि क्या आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं ऐसे जलनखोरों से दूर होकर। ऐसी दोस्ती भी क्या मतलब है दोस्तों जो हमसे ही जलन रखे? ऐसी दोस्ती का क्या मतलब है, या ऐसे किसी भी इंसान के साथ में रहकर क्या मतलब है जो हमसे ही जलन रखे? उनसे दूर रहना ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों को इग्नोर करें और अपने लाइफ में आगे बढ़ें। फिर बताइए मुझे कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। तब तक